वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 18, द एनवायरनमेंट एंड अस, न्यू एनवायरनमेंटल स्टडी पार्ट वन इंग्लिश। बच्चों, हम क्लास 5 में एनवायरनमेंटल स्टडी पार्ट वन इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 18, द एनवायरनमेंट एंड अस। बच्चों, जैसे हम अपने प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, और हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इसमें बहुत सारी ऐसे, जो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी कंट्री है, और कंट्री के अंदर बहुत सारी सिटीज़ है और विलेजेस है। तो यहाँ पे जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, तो हमारी कंट्री इंडिया में जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं या कानपुर, नागपुर, दिल्ली में रहेंगे, तो हमारे जो सिटीज़ का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे हर चीज़ का एनवायरनमेंट होता है, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट, हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट, हमारे पार्टी का एनवायरनमेंट, हर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। कैन यू टेल विद द हेल्प ऑफ दिस द क्वेश्चन बिलो, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ फॉरेस्ट आर क्लियर ऑन लार्ज स्केल। जैसे हमारे कंट्री में, हमारी लैंड में, जैसे जहाँ पे हम रह रहे, सब एग्जांपल आप बॉम्बे में रह रहे हो या नागपुर में रह रहे हो या न्यू दिल्ली में रह रहे हो या कानपुर में रह रहे हो, लेकिन हमारे जो हमारे एरिए में, हम जिस सिटी में भी रह रहे हैं वहाँ पे प्लांटेशन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे एरिया में सारे फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो एनिमल्स से वो कहाँ रहेंगे और हमें फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। नंबर 1, विल वाटर एंड फूड सोर्सेज फॉर लिविंग थिंग ग्रो ऑन ड्विंडल, व्हाई। फिर यहाँ पे जैसे प्लांट्स से हमें काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें मिलती हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वुड मिलते हैं, शेड मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। नंबर 2, विल द लिविंग थिंग लुक फॉर शेल्टर एल्सवेयर और स्टे ऑन, व्हाई। अगर हमारे एरिया के सारे फॉरेस्ट कट हो जाएंगे, सारे हम ट्रीज को कट कर देंगे, तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे और हमें कहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी। विल द स्पेस ऑक्यूपाई द प्लांट एंड एनिमल इंक्रीज डिक्रीज, व्हाई। जिस तरह जैसे हमारे सिटीज़ में आजकल फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो इस तरह एनिमल्स की जो पॉपुलेशन वो भी कम होते जा रही। नंबर 4, विल द नंबर ऑफ लिविंग थिंग इंक्रीज डिक्रीज, व्हाई। क्या जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, एनिमल्स की भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने पढ़ा, तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ क्लोज टू 600 करोड़। अभी आजकल जैसे हमारी कंट्री इंडिया में पॉपुलेशन की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब चाइना में बोलते हैं ना, चाइना हमारे कंट्री इंडिया में पॉपुलेशन की क्वांटिटी ज़्यादा है। मैन इज़ डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू मीट द डी नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल एंड यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पज। अभी हमारे जो मैन है, ह्यूमन बींग है, वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। जैसे आपने साइंटिस्ट को देखा होगा, ऐसे काफ़ी इंजीनियर आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी हमारे लैंड पर वर्कआउट कर रहे हैं कि हमें लैंड में ज़्यादा प्लॉट बनाने चाहिए, ज़्यादा बिल्डिंग बनानी चाहिए, ज़्यादा होम बनाने चाहिए, जहाँ पे हमारे जो जहाँ पे जितने भी लोग हैं सही से हम अपनी ज़मीन पे रह सके। अभी यहाँ पे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो हमें पानी का भी तो बंदोबस्त करना होगा। ओपन स्पेस आर रिक्वायर्ड वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग इंडस्ट्री एंड फॉर बिल्डिंग रोड एंड रेलवे। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर देम। अभी यहाँ पे जैसे जैसे हमारी कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, उस तरह हमें प्लेसेस भी बनाने होंगे, जैसे हमें बिल्डिंग बनाने होंगे, एग्रीकल्चर के लिए लैंड की ज़रूरत होगी, हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए, बस स्टॉप के लिए, हमें रोड बनाने के लिए, इसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होगी। लेकिन हम ज़मीन कहाँ से लेकर आएंगे? लेकिन सारा जो जैसे हमारा जो वर्ल्ड है, और जो हमारी जो सिटी मुंबई है, तो यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे हर जगह फॉरेस्ट है, अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तभी तो हमें ज़मीन मिलेगी, तभी तो हम एग्रीकल्चर उस ज़मीन पे बनाएंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, रेलवे ट्रैक बनाएंगे, बस स्टॉप बनाएंगे, रोड बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें फॉरेस्ट को क्या करना होगा बच्चों, कट करना होगा। तो फॉरेस्ट को हम कैसे कट करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे, जैसे हम ऐसे पहले पुराने के ज़माने में जब हम बॉम्बे नहीं आए थे, लोग कहते थे कि हमारा जो बॉम्बे था वो क्या था, पूरा जंगल था। फिर लोगों ने क्या किया, इस जंगल को कट किया, यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई, मतलब पूरा सिटीज़ बनाया, मॉल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया। इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़मीन की तो ज़रूरत होगी, इसलिए हम फॉरेस्ट को कट करते। मार्शी एंड लो लाइंग एरिया फिल टू रिक्लेम द लैंड, तो हमें ज़मीन की तो ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों को बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे हमने फॉरेस्ट को कट करके हमने क्या बनाया, रेलवे ट्रैक बनाया, बिल्डिंग बनाया, हमने हाउसेस बनाए, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया। द एनवायरनमेंट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग, अभी जो एनवायरनमेंट है वो हर चीज़ की हमें फैसिलिटी देता है, हमें शेल्टर देता है।
वो एनिमल्स को भी देता है, बर्ड्स को भी देता है और ह्यूमन बींग को भी देता है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट। अभी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के जो प्लांट्स हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत सारे ट्रीज रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड ए नेस्ट इन ट्रीज। अभी जो बर्ड्स रहते हैं वो कहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं, वो ट्रीज को बनाते हैं। एनिमल्स लाइक द बियर, डियर, मंकी, एलिफेंट, टाइगर ऑल लिव इन द फॉरेस्ट। अभी जैसे ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं बच्चों, वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? अभी वो हमारी तरह बिल्डिंग में या रो हाउस में तो नहीं रह सकते। उनका घर कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता है। दे फाइंड शेल्टर्ड इन द फॉरेस्ट। ऑल देयर नीड्स आर मेड इन द फॉरेस्ट। इफ फॉरेस्ट आर रिड्यूस, बायोडायवर्सिटी ऑल्सो डेप्लेटेड। अभी जो ये वाइल्ड एनिमल्स मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे वो कहाँ रहते हैं, उनका शेल्टर वो फॉरेस्ट में ही अपना शेल्टर बना लेते, फॉरेस्ट में ही अपना घर बना लेते। इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो फॉरेस्ट होता है, ये जो बड़ा सा फॉरेस्ट रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं और बहुत सारे ट्रीज रहते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है उनको भी घर मिल जाता है, वो भी घर बना के वो ट्रीज पर रहने लगते हैं। और बहुत सारे जो एक्वाटिक बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो भी फॉरेस्ट में अपना घर बना लेते, फॉरेस्ट में अपना शेल्टर शेल्टर बना लेते। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो ये एनिमल्स और प्लांट्स ये बर्ड्स कहाँ जाएंगे, वो अपना शेल्टर कहाँ बनाएंगे? यूज योर ब्रेन पावर। इफ अ डैम इज बिल्ट एट अ पार्टिकुलर प्लेस, वॉट चेंज विल बी सीन इन द एनवायरमेंट। अभी जैसे यहाँ पे डैम, जहाँ पे हम जैसे हम वाटर स्टोर करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए हम डैम बनाते हैं, बंद बनाते हैं, स्ट्रीम बनाते हैं, अगर ये एक पार्टिकुलर प्लेस से बना दी जाएगी तो क्या चेंजेस हमारे एनवायरमेंट में आएगा? अगर ये एक पार्टिकुलर प्लेस पे भी बन गई तो बच्चों क्या चेंजेस आएगा? हमें पानी बराबर मिलेगा, मतलब जहाँ भी एरिया के लोग रह रहे, सिटी के लोग रह रहे हैं, उन्हें बराबर टाइम पे पानी मिल जाएगा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? टाइम एंड अगेन वी हियर न्यूज ऑफ सर्टेन एनिमल प्लांट फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। रीजन फॉर द थ्रेट्स आर ऑल्सो गिवन। कलेक्ट सच न्यूज आइटम, फिल इन दैट इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग चार्ट एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास। अभी आपने देखा होगा कि जैसे डे बाय डे हमें खबरें सुनने को मिल रही कि एनिमल्स और प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अगर इस तरह एनिमल्स पॉपुलेशन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो हमारे इन्वायरमेंट में रहना क्या हो जाएगा? दुश्वार हो जाएगा, हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एनिमल से भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, प्लांट से भी हमें बेनिफिट मिलता है, तो दोनों का होना ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट में। अभी पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम भी पॉल्यूशन भी हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा बन गया कि जिसे जिसे हमें फेस करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे वैरायटी के पॉल्यूशन होते हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है। वी हैव सीन हाउ वाटर सोर्सेज गेट पॉल्यूटेड इफ वेस्ट वाटर इज लेट डू द देम विदाउट प्रोसेसिंग देम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे हमारा जो पानी है वो गंदा होता है। जैसे हमें तो फ्रेश पानी मिलता है हमें रेन से, लेकिन हमें जैसे हम इंडस्ट्री होती है, जो बड़ी बड़ी मिल होते हैं, वहाँ का जो गंदा पानी रहता है वो हमारे रिवर या स्ट्रीम में लेक से क्या हो जाता है, मिल जाता है, जिससे हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इन टू द सराउंडिंग। अभी जो वेस्ट वाटर रहता है इंडस्ट्री का, मिल का या कंपनी का रहता है, तो वो जो वेस्ट वाटर रहता है वो किससे मिल जाता है, लेक से, स्ट्रीम से, रिवर से मिलके क्या बन जाता है, पॉल्यूटेड बन जाता है, गंदा पानी बन जाता है। जैसे आपने नाला देखा होगा, गटर देखी होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्ट वाटर इज ऑल्सो गिविन आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन टू द सराउंडिंग। इफ वाटर फ्रॉम सच पॉल्यूटेड सोर्सेज कीप सोकिंग इन टू द सॉइल बिकम इनफर्टाइल। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इंटर वाटर बॉडीज। अभी अगर वेस्ट वाटर जो गंदा पानी अगर हमारे इन्वायरमेंट में की लेक में आ जाएगा, रिवर में आ जाएगा, स्ट्रीम में आ जाएगा, जिससे हमें काफ़ी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना होगा, जिससे हमें डिसेस हो सकती है। अभी उस गंदे पानी का से हमें कैसे इलाज उसका कैसे उसका ट्रीटमेंट करना होगा? केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आर यूज इन वीज ऑन लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर। दे सीप इन टू द सॉइल और फाइनली फ्लो इन टू द रिवर विथ रेन वाटर। अभी जो केमिकल्स फर्टिलाइजर रहते, पेस्टिसाइड रहते, वो लार्ज क्वान्टिटी में एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जिससे क्या बन जाता है, एक मैन्योर, एक खाद कंपाउंड बन जाता है। ड्यू टू सर्वल सच रीजन वाटर एंड सॉइल गेट पॉल्यूटेड। इसकी वजह से जो दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स, देयर नंबर रिड्यूस इवेंटली, दे डाई आउट ऑल टूगेदर, दैट इज दे बिकम एक्सटेंट। जिस तरह जो रहता है हमारा जो पानी है, जो है वाटर है, वो मिट्टी से मिलके, गंदगी से मिलके क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। जिस तरह प्लांट्स की भी जान जाती है, एनिमल्स की जान भी जाती है।
कैन यू टेल व्हाट वुड द बी द रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन? अभी यहाँ पे एयर पॉल्यूशन किस वजह से, तो जैसे हम पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल करते, सीएनजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते, जिससे हमें, जिससे जो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल से क्या निकलता है, एक एक बैड, मतलब एक बहुत ही डेंजरस एयर निकलती, बहुत ही पॉल्यूटेड एयर निकलती, जिनसे हमें बीमारियां हो सकती है. व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, कोल, वुड आर यूज? अभी यहाँ पे जैसे हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे व्हीकल जो का इस्तेमाल करते हैं, और आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, मिल में देखा होगा, फैक्ट्री में जो बैड एयर निकलती है, जिससे हमें बीमारी भी हो सकती है. अगर हम ऐसे मतलब केरोसिन या नेचुरल गैस, कोल या बायोगैस का इस्तेमाल करें जिससे पॉल्यूशन कम हो. फ्यूल इज यूज इन ऑल होम बिसाइड देयर आर बिग इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज इन विच फ्यूल इज यूज इन ग्रेट क्वांटिटी. अभी आप देख रहे हो कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जो आप जहाँ पे काम होता है, तो यहाँ पे जो मिल्स से देखो, आप देख रहे हो स्मोकिंग वाला एयर निकल रहा है, जिसका जो एयर वो काफ़ी गंदा होता है, जिससे हमें बीमारियाँ भी हो सकती हैं. पॉइजनस गैसेज स्पाउटिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्री. अभी यहाँ पे जो डेंजरस पॉइजन गैस है वो चिमनी से निकल रही है, फैक्ट्रियों की चिमनी से निकाली जा रही है. ऑन द हैंड ऑफ ट्रिमेंडस क्वान्टिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ऑन द अदर हैंड ड्यू टू द लास्ट स्केल डिफॉरेस्टेशन द नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रेंडिंग. एज अ रिजल्ट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज राइजिंग कंटिन्यूसली. वेन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर राइज, इट लीड टू राइज इन टेम्परेचर. वी सी सच एन टेम्परेचर राइज इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अभी जिस तरह जैसे आपने देखा कि ये पॉल्यूशन हमारा, हमें एयर पॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती है, इंडस्ट्री रहती है, मिल में जो काम होते हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें, वहाँ से हमें जो स्मोकिंग मिलती है, स्मोकिंग हमें देखने को मिलती है. जो हमें, आपने ट्रांसपोर्ट देखा होगा, जो गाड़ियाँ चलती है, जैसे बसेस, कार, ऑटो रिक्शा चलते, तो उनमें जो डीजल में से जो धुआं निकलता है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमें एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है. बिसाइड व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड इन व्हीकल दे गिव आउट सर्टेन पॉइजन गैसेस एज वेल एज स्मोक. इंडस्ट्रीज ऑल्सो लेट आउट सम पॉइजनस गैसेस इनटू द एयर. दिस लीड टू एयर पोल्यूशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अभी जैसे जैसे फ्यूल हमारा जो है बुरी तरह से जल जाता है, तो इस तरह से हमें काफ़ी सामना करना पड़ता है. जैसे इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा जो पॉइजनस गैस निकलती है, जो लार्ज क्वान्टिटी में होती है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? यू सी अ फूड चेन इन द पिक्चर अबाउ, वन ऑफ द लिंक इज मिसिंग. वॉट इफेक्ट विल हैव टू ग्रास ओपर ऑन द वर्ल्ड? Which picture, what picture should there be in the blank space? If this living, this thing really died out, what would be the threat to entire living world? Discuss your answer here. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, फूड चेन देख रहे हो. जैसे सनलाइट से क्या बनेगा बच्चों? प्लांट बनेगा. अब प्लांट जो बनेगा सनलाइट से क्या बनता है? प्लांट बनता है. और जो ये ग्रास प्लांट बनेगा, अब क्या बनेगा? प्लांट बनेगा. और ये जो ग्रास ऊपर है जो है वो किसको खाएगा? प्लांट को खाएगा. और ग्रास ऊपर को कौन खाएगा बच्चों? ये आप स्पैरो देख रहे हो, जो बर्ड्स रहते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती हैं. द नीड टू मेंटेन इन्वायरमेंट एंड बैलेंस. अभी हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह पॉल्यूशन हो रहे हैं, उन्हें से हमें कैसे मेंटेन करना होगा, ये हमें देखना है. ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर लार्ज स्केल चेंज आर टेकिंग प्लेस इन द एयर वाटर लैंड. ऑल्सो दीज नॉन लिविंग एंड एबोटी कंपोनेंट आर गेटिंग पॉल्यूटेड. एज अ रिजल्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग इज थ्रेटेंड वाइल्स थिंग हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंडेड. इफ वन फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट इज डैमेज, इट्स रिलेशनशिप विद फैक्टर ऑल्सो गेट अफेक्टेड. एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो डिस्टर्ब फ्रॉम दिस टाइम टू टाइम. Some of the living thing on the earth become extinct, but today this process taking place at the as much fast rate. अभी जिस तरह आपने देखा कि हमारे environment में काफ़ी हमें pollution का सामना करना पड़ रहा है, air, water का, जिससे हमारे animals की life में, plants की life में, human being की life में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तो इस यहाँ से इस problem का पहले से हमें solution निकालना होगा. Do you know
If the different types of plants and animal become extinct one by one, many of the link in the different food chain will be lost. इस तरह अगर plants और animals की population कम हो जाएगी तो हमें काफ़ी काफ़ी परेशानियों का सामना करना होगा. Many scientists believe this will affect the entire world on the earth and the balance in nature will collapse. अभी यहाँ पे जैसे हम environment में रह रहे, देखिए हम environment में हम एक दूसरे से depend पे हैं, plants से depend पे हैं, animals पे depend है, हर एक दूसरे water पे depend पे, land पे depend है. मतलब हम हमारा जो एक साइकिल बन गया है कि जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम एक दूसरे की, जैसे आपने फूड चेन देखा होगा, हम एक दूसरे के पर डिपेंड पे, अगर हम एक दूसरे पे डिपेंड में नहीं है तो हमारा एनवायरनमेंट में रहना काफ़ी दुश्वार हो जाएगा. इंडियन चीता एन एक्सटिंक्ट एनिमल. अब देख रहे हो इंडियन चीता क्या है, हमारा एक एक्सटिंक्ट एनिमल है. आवर नीड्स एंड एनवायरनमेंट, फूड वाटर क्लोथ एंड नीड्स ऑफ ऑल पीपल. जैसे आपने देखा कि जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, फूल शेल्टर क्लोथ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है. यू यूज अ लॉट ऑफ थिंग टू मीट दिस नीड्स. बिसाइड वी यूज मैनी मीन्स एंड डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, स्पोर्ट, हॉबीज, इंटरटेनमेंट. वी कैन इवन स्टॉक अप दिस थिंग्स सो दैट दे विल बी अवेलेबल फॉर वेन एवर वी नीड देम. ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्टेन बाय यूजिंग मटीरियल फ्रॉम आवर एनवायरमेंट. ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हैज सिमिलर नीड्स एंड डिजायर. एज अ रिजल्ट द एनवायरमेंट इज बींग डिग्रेडेड रेपिडली. अभी जिस तरह हमारी जो ह्यूमन बींग की जो जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारी एनवायरनमेंट, जैसे फूड शेल्टर क्लोथ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये इन सब चीज़ें नहीं रहेगी तो हमारा रहना, हमारी वर्ल्ड में रहना काफ़ी काफ़ी दुश्वार हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. जैसे हम अपने एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं, हम स्पोर्ट खेलते हैं, अपनी हॉबीज़ को हम हॉबीज़ अपनी पूरी करते हैं. जैसे हमारी हॉबी सिंगिंग रहती है, रीडिंग रहती है, डांसिंग रहती है, एक एंटरटेनमेंट रहता है कि हमें एक्टिंग शो देखना होता है, मूवीज़ देखना होता है, हमें पार्क पर जाना होता है, पिकनिक स्पॉट पर जाना होता है. सारी चीज़ें हमें हमारी जो है डिज़ायर है वो हमारे एनवायरनमेंट में पूरी होती है. तो हमारी जो ह्यूमन बींग की डिज़ायर है वो हमारे एक एनवायरनमेंट में पूरी होती है. अगर ये सारी डिज़ायर कंप्लीट हो जाएंगी, एनवायरनमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे ह्यूमन बींग का रहना काफ़ी दुश्वार हो जाएगा. वी नीड टू बी अवेयर डेट वी आर सेल आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर. इफ द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब इट विल एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन बींग टू. अगर हमारे एनवायरनमेंट का जो नेचर का जो बैलेंस अप एंड डाउन होगा तो पूरा एनवायरनमेंट को, हर किसी को अफेक्ट होगा. प्लांट की भी लाइफ पे अफेक्ट होगा, एनिमल की, ह्यूमन बींग की लाइफ पे भी अफेक्ट होगा. We need to take steps to prevent the degradation of the environment. The steps should mainly include using our means frugally and recycling using articles. Such measures should be practiced sincerely by each and every person. अगर वाकई हमें अपने environment को cool रखना है, maintain करना है, तो हमें plantation ज़्यादा करने होंगे, हमें fuel, diesel, petrol का इस्तेमाल कम करना होगा. Let us all ensure that no action on our part will cause pollution or cause harm to living being. Let us make all possible effort for conservation of the living world. अगर जैसे हम एयर पॉल्यूशन को किस तरह रोकेंगे, हम प्लांटेशन करेंगे तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा. वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोकें कि हमें ज़्यादा गंदगी नहीं करनी चाहिए. स्पीक योर माइंड एंड डिस्कस. हाउ मच स्टॉक ऑफ द नेसेसरी थिंग्स शुड बी कीप विद अस. जैसे अभी हम घर में रहते तो हमारी मम्मी डैडी जो रहते हैं, हम घर में रहते तो हमारी सारी चीज़ें ला के रखते हैं. हमारा किचन, हमारी सारी चीज़ें होती है, पानी का बंदोबस्त कर रखते, राशन वो स्टोर करके रखे रहते, हर चीज़ें वो बंदोबस्त करके रहते. डिस्कस विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, वाटर, फूड, क्लोथ. जैसे वो पानी का बंदोबस्त करके रखते, फूड का, राशन पूरा, ग्रॉसरी अच्छी तरह से भर करके रखते, क्लोथ रख के रहते कि हमें कौन कौन से कपड़े पहनने हैं. ये हमारे क्या है, नीड्स हैं. ग्लोबल एफर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. अभी ग्लोबल एफर्ट क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट देने के लिए वो क्या काम कर रही है. सेवरल प्रोजेक्ट आर बींग इम्प्लीमेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द ट्रीटिंग टू एनवायरनमेंट एंड बैलेंस. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इनएक्टिंग लॉ डेट विल हेल्प टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. जिस तरह हमारी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि हमें कैसे एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन को हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए. इफेक्ट टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी की हमारा, हम दोनों का फायदा हुआ, एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी, ह्यूमन बींग का भी. बायोडाइवर्सिटी पार्क एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ
region is called biodiversity park. In this park, biodiversity is both preserved and studied. People visiting such a park enjoy being close to nature. This lead to more concern for nature. अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में ऐसे पार्क बनाए गए जहाँ पे एनिमल्स अच्छे से रह सकते हैं, मतलब उन्हें उन्हीं का प्लेस है कि यहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे प्लांट वगैरह को काटा नहीं जाएगा. नेशनल पार्क सर सब एरिया विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और रिजर्व फॉर देम. फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ताडोबा नेशनल पार्क जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंट और बहुत सारी सिटीज़ में नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं एनिमल्स के लिए, जहाँ पे एनिमल्स अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सके, मतलब उन्हें किसी चीज़ की रेस्ट्रिक्शन का सामना ना करना पड़े. सेंचुरीज सर्टेन फॉरेस्ट एरिया रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ द पार्टिकुलर एनिमल प्लांट. सर इज ऑल्सो कॉल्ड सेंचुरी. फॉर एग्जाम्पल द राधा नगरी सेंचुरी फॉर द बिजन. अभी यहाँ पे ऐसे सेंचुरीज बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जो बिजनस है ऐसे एनिमल्स रह सके. इफ द प्लांट ऑन द अर्थ डिस्ट्रॉय द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो फॉल. दैट इज वाई नेक्सेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन फॉरेस्ट. इफ डी फॉरेस्ट स्टॉप एंड इंस्टेड ट्री प्लांटेशन स्टेप ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट विल गेट प्रोटेक्शन एंड थ्राइव. अगर जैसे प्लांटेशन की प्लांट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो एनिमल्स की भी मर जाएगी, क्योंकि एनिमल्स ही बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स है वो हर्बीवोरस है, मतलब वो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं. अगर हम प्लांटेशन करना बंद कर देंगे तो इसमें हमारा भी नुकसान है कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हमें वूड या फ्रेश ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो हिप्पोपोटामस, यहाँ पे नेशनल पार्क की पिक्चर देखो जहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, मतलब ये ऐसे सेंचुरीज ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं जहाँ पे एनिमल सही से रह सके. तो यहाँ पे जब ये सेंचुरीज ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए जहाँ पे एनिमल्स अपना घर बना के अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सके. मयानी लेक हैज फॉर्म ड्यू टू अ डैम ऑन बिल्ट ऑन द चांद रिवर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. फ्लेमिंगो फॉर्म साइबेरिया रीजन इन नॉर्थन एशिया माइग्रेट टू दिस लेक. हियर दे बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स. वंस द बेबी बर्ड्स ग्रो बिग इनफ दे रिटर्न विद देम साइबेरिया. अभी यहाँ पे क्या बनाया गया, एक डैम बनाया गया कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स है वो अपना नेस्ट बना के रहते हैं, मतलब जो फ्लेमिंगो जो बर्ड्स है वो अंडे देती है, फिर ये अंडे से मतलब कि जो बेबीज ग्रो होने लगते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ यहीं पे स्पेंड करने लगते हैं. इन द रिसेंट पास्ट एज द वाटर लेवल इन द डैम हैड फॉलन द फ्लेमिंगो हैड स्टॉप कमिंग. हाउएवर द लेक हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड टू सेंचुरी फॉर बर्ड्स. अभी जैसे जैसे हमारा जो वाटर लेवल मतलब हमारा डैम मतलब डैम में वाटर लेवल की क्वांटिटी भी बढ़ाई गई है, तो यहाँ पे जो फ्लेमिंगो है वहाँ पे आना बंद कर दिया, मतलब वो अपनी लाइफ यहीं पे मतलब ये सेंचुरी में ही गुजारते हैं, मतलब उनके लिए बन गया सेंचुरी. किसके लिए बना दिया गया, बर्ड्स के लिए, जैसे फ्लेमिंगो हो गए, डक हो गए, स्वान हो गए. आप देख रहे हो फ्लेमिंगो एंड देयर नेस्ट, मतलब उनका ये घर बन गया है. द बिगेस्ट मल्धो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इन एशिया इज नानज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट. अभी यहाँ पे जो बर्ड्स के लिए बनाया गया सेंचुरी पार्क बनाया गया है वो क्या है, एक नानज, मतलब वो कहाँ पर है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है. दिस हुज आर वेरी ह्यूज वेट हैवेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर देयर ग्रेसफुल ग्रेट, मतलब वहाँ पे मतलब जो भी बर्ड्स है वो अपना नेस्ट बना के वहीं पर रहते हैं. दिस बर्ड्स लिव इन ओपन ग्रास लैंड, दे फीड ऑन इंसेक्ट दस गिविंग प्रोटेक्शन टू क्रॉप्स इन द फील्ड. दे आर द फार्मर्स फ्रेंड, मतलब ये जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं बच्चों, ये जो है मतलब यहीं पर रहने लगते हैं, मतलब यहाँ के जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट रहते हैं यहीं पे, मतलब यहीं पे वो इंसेक्ट को एज अ फूड खाते हैं, मतलब वो फार्मर के क्या बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेल, आप इसकी पिक्चर देख सकते हो. As they are hunted for their meat and their egg, the number is fast waning. Maharashtra state has declared the Nanaj area sanctuary for the great Indian bustard. Deer are also found in this grassland. अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे सेंचुरी पार्क बर्ड्स एनिमल्स के लिए बनाया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पे grassland भी डियर के लिए बनाया गया है. यहाँ पे आप देख रहे हो फीमेल बस्टर्ड डियर. पुणे ऑन द पुणे अहमदनगर हाईवे द विलेज ऑफ मोराची चिंचोली इज फेमस फॉर पीकॉक पॉपुलेशन. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा अगर आप अहमदनगर के हाईवे पे जाएंगे तो यहाँ पे एक गांव बना गया है मोराची चिंचोली, मतलब किसके लिए, जहाँ पे पीकॉक की पॉपुलेशन है. द ओल्ड वेल लुक आफ्टर टमरिन ट्रीज हैव बीन क्रिएटेड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द बर्ड्स. पीपल हैव फाउंड सेंचुरी इन द विलेज, मतलब यहाँ पे एक ऐसा सेंचुरी पार्क बनाया गया जहाँ पे
पीकॉक की पॉपुलेशन है और भी दूसरे भी बर्ड्स है, मतलब उनके लिए यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि उनके घर को तोड़ा जाएगा, मतलब ये यहाँ पे पीकॉक की पॉपुलेशन है। देवर इज अ बोन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, अभी यहाँ पे देवारिस क्या है मतलब सारे लिविंग क्रिएचर के लिए बोन बन गया है। इंडियन कल्चर गिव्स इंपॉर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, देवारी इज एन एग्जाम्पल, पीपल बिलीव डेट देवारी इज रियली जंगल रिजर्व फॉर गॉड, नो ट्री और प्लांट इन देवारी इज नेवर एवर कट, डेट इज वाई ऑल दिस देवारी आर सेफ इवन टूडे। अभी यहाँ पे देवारी क्या एक प्लेस बन गया कि मतलब यहाँ के जो इंडियन कल्चर्स है, इंडियन जैसे हमारे इंडिया में हर रिलीजन्स के मानने वाले लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब उन्होंने क्या कल्चर बनाया कि देवारी एक ऐसा प्लेस है जहाँ के ना प्लांट को कट किया जाएगा, ना ट्रीज को कट किया जाएगा, ना ही एनिमल्स को मारा जाएगा, मतलब यहाँ पे जितने भी है मतलब वहाँ का जो फॉरेस्ट है काफ़ी सेफ है, मतलब वहाँ पे मतलब जितने भी ट्रीज है प्लांट है काफ़ी सेफ, इसलिए आज भी टुडे आज भी मतलब देवारी जो है उनका फॉरेस्ट आज भी सेफ। महाराष्ट्र हैज मैनी देवारीज इन मध्य प्रदेश, दे आर नॉन एज शरण वन, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी देवारीज बने, काफ़ी जंगल है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक पॉपुलर इसका नाम है शरण वन। देवारीज गिव शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट बट ऑल्सो टू द एनिमल टू लीव देयर, मतलब देवारीज ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट को सेफ्टी करा, प्लांट को प्रोटेक्ट करा, बर्ड्स यहाँ पे ट्रीज बन बर्ड्स अपना नेस्ट बना के ट्रीज पर रह रहे, बट के एनिमल्स के लिए भी एक शेल्टर बन गया है, मतलब ये एंस देवारीस और शरण वंस बी कैन बी कॉल्ड टू द सेंचुरी ऑफ एशियन टाइम्स, मतलब क्या बन गया है ये जो हमारा देवारीस फॉरेस्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों। यहाँ पे आप देवारीस फॉरेस्ट देख रहे हो कि मतलब ये इतने जमाने का पुराने जमाने का ये जो जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ के प्लांट्स को बिल्कुल कट नहीं किया जाता, यहाँ के ट्रीज को बिल्कुल कट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे मतलब सारे ट्रीज और प्लांट क्या है सेफ है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट ट्रीज सेफ है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्ड्स अपना नेस्ट बना के ट्रीज पे गुजारा करे, बल्कि एनिमल्स जो है वो भी सेफ है, मतलब ये क्या कहा जाता है कि ये इनका क्या बन गया है एशियन टाइम का बहुत पुराने ज़माने का एक सेंचुरी पार्क बन गया, जहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स अपने अपनी सेफली से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मतलब उन्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर नेचर प्रोवाइड इनफ फॉर एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड, मतलब नेचर हमें हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हमें प्लांट्स जैसे हमें नेचर से हमें क्या मिलता है, सनलाइट, मून, हमें माउंटेन देखने को मिलता है, रिवर देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, सब नेचर्स के किंगडम में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं सिर्फ हमारा ये फ़ायदा है, ये सारे लोगों का फ़ायदा कर रही है। वॉट यू लर्न, दे आर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है जैसे बहुत सारे फ़र्क है लिविंग थिंग नॉन लिविंग में, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट प्लांट एनिमल जो बर्ड्स है ह्यूमन बींग है सब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया, मतलब हर वेराइटी के आपको प्लांट्स ट्रीज डोमेस्टिक एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बर्ड्स इंसेक्ट आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिलेंगे। The balance between the cycle of the various gases in the atmosphere, the water cycle and food chain has been maintained for thousands of years. जैसे ज़रा हमारा food chain का एक cycle बन गया कि हम एक दूसरे के ऊपर depend में रहते हैं। Pollution of water is thought to be aquatic plants and animals, मतलब pollution जो water का pollution होता है वो हर किसी की life पे affect करता है, चाहे वो plants हो, animal हो, human being है। We shall have to make effort to stop the degradation of plant multimillions caused by human intervention, मतलब हमें ये stop करना होगा, हमें ये डिफॉरेस्टेशन को हमें स्टॉप करना होगा, कि हमें ज़्यादा प्लांट्स को कट नहीं करना है, ट्रीज को नहीं कट करना है, कि हमें उनके बारे में भी सोचना है कि जो बर्ड्स है ये एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे। देवारीस नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आर क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब यहाँ पे जो देवारीस है नेशनल पार्क हो गया सेंचुरी है, मतलब इनके लिए बनाई गई है प्लांट्स एनिमल्स की सेफ्टी के लिए बनाई गई, कि प्लांट्स एनिमल इन प्लेसेस पे सेफ्टी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने देवारीस बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया, सेंचुरी बनाया कि कोई भी आके इस पर अटैक कर सके, ऐसा नहीं, मतलब जितने भी प्लांट्स है ट्रीज है एनिमल्स है वो सेफ्टी से अपनी ज़िंदगी इस देवारीस नेशनल पार्क और सेंचुरी में गुजार सकते हैं। तो आई होप आज का जो लेसन नंबर 18 है हमारा द एनवायरनमेंट एंड अस आपको समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट में हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है। थैंक यू।